देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसान किस तरह मजबूत हो, ये देश की तरक्की में बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यही निवेदन सरकार से करूंगा कि किसानों को बचाना है। आपने जो किसान सम्मान योजना लागू की, 6000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते के अंदर आया, ये भी आजादी के बाद पहली बार हुआ। बात तो कांग्रेस के लोग भी करते थे, राजस्थान के अंदर कांग्रेस के लोगों ने बात कही कि दो मिनट साहब, मेरी पार्टी अलग सर, बहुत राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सारा कर्जा माफ कर देंगे, वोट ले लिए। और परसों एक किसान आत्महत्या कही राजस्थान के अंदर, और सुसाइड नोट में लिखा कि मुख्यमंत्री दोषी है, मुख्यमंत्री वजह से मर रहा हूं। इन्होंने कहा कि सारा पैसा माफ कर देंगे, इसलिए मैंने बैंक में ऋण जमा नहीं कराया और बैंक वाले कुर्की करने के लिए आगे, इसलिए आत्मसम्मान मेरा आप सम्मानी हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मैंने मांग करी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हनुमानगढ़ की कलेक्ट्रेट में भी इस तरह किसान ने आत्महत्या करी। सरोज महोदय, आज प्रधानमंत्री परंपरागत जो खेती है उसके अंदर मैं मांग करूंगा कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 50% जैविक खेती का लक्ष्य निर्धारित करें। अब त्वरित दिशा में ठोस कार्य योजना को मूर्त रूप देने की आवश्यकता। सरोज महोदय, 2022 तक देश के किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए, इसके लिए 5 साल में मोदी जी ने बहुत प्रयास किए और आने वाले टाइम भी ये प्रयास करेंगे, ऐसा पूरा देश सोच रहा है। और सबसे बड़ी बात सभापति महोदय, पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी कोने के अंदर चले जाओ, साथी ठोक के लोग कहते हैं हम भारतीय हैं, भारत का नाम अगर वर्ल्ड के अंदर किसी ने बढ़ाया और मां शक्ति के रूप में भारत अगर उभरा है, चाहे पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पहले यही पाकिस्तान थे, यही चाइना थे, अभिनंदन को किस तरह एक टेलीफोन पर लेके आ गए, ये भारत का मान नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। सभापति महोदय, मैं 2-3 मिनट में आप जिससे मत करूं, मैं पूरी बात कर लेता हूं 2-1 मिनट के अंदर, है ना। सभापति महोदय, ये तो पूरे देश देयर आर सो मेनी अदर मेंबर्स, दे वांट टू स्पीक, योर टाइम इज ऑलरेडी ओवर। एक सभापति महोदय, मेरी मांग ये रहेगी कि आर्मी के अंदर जब हमारे जवान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उनको शहीद का दर्जा मिलता है, अर्धसैनिक बलों को भी और पुलिस के जवानों को भी, जो अलग अलग पुलिस के जवान जब बदमाशों से, आतंकवादियों से, नक्सल प्रभावित इलाकों के अर्धसैनिक बल शहीद होते हैं, वीर गति को प्राप्त होता है, तो उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, ये मेरी सरकार की ओर से मांग रहेगी। सभापति महोदय, एक मैं मेरे राजस्थान राज्य की बात करूंगा, 11 राज्य हैं वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, 5 राज्यों को मिल चुका और राजस्थान सारे मापदंड पूरा करता है, अरावली की पर्वतमालाएं, भारत पाकिस्तान की लंबी सीमा, ट्राइबल बेल्ट और थार का रेगिस्तान, ये आपका रेगिस्तान और चंबल के भीड़ जिसमें डाकू जगन गुजर जैसे लोग भी हैं, मैंने पहले मामला उठाया था 2 दिन पहले, इस तरह बदमाशी करते हैं राजस्थान के अंदर। तो मेरी ये मांग रहेगी कि 5 राज्यों में राजस्थान भी है जो विशेष 11 राज्यों के अंदर जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग 5 राज्य हम करें, 11 को दे रखा है। हनुमान जी मेरी मांग जी सर, एक मिनट, राजस्थान की लंबित पेयजल परियोजना जो भी केंद्र के अंदर है उनको जल्दी से जल्दी, हमें चाहे सिंचाई की परियोजना हो, चाहे इंदिरा गांधी नगर के क्षेत्र क्षेत्र बढ़े, चाहे नर्मदा जो गुजरात से आ रही हो, चाहे यमुना का पानी हो, ये राजस्थान को मिले और हरियाणा और पंजाब भी राजस्थान को उसके हिस्से का पानी दे, ये भी मैं दिल्ली की सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे राज्यों को भी भाईचारा राजस्थान का वो कायम रहे, लेकिन जल को लेकर कोई झगड़ा नहीं हो। सभापति महोदय, ये बस एक मिनट समझ नहीं मिले, जल्दी जल्दी कर दो, लोग मारे गए और 60-70 घायल हो गए, कल भी मैंने इस मामले को उठाने का प्रयास किया था और राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और 5-5 लाख रुपए की घोषणा करके और आ जाते हैं। ऐसा हादसा 2008 के अंदर भी हुआ, नयानगढ़ के अंदर माता जी के दर्शन करने के लिए 200 से ज्यादा मौतें हुई, चोपड़ा एक मिनट साहब, चोपड़ा आयोग बना के और चोपड़ा आयोग ने रिपोर्ट दी कि इसके अंदर दोषी जो नेता थे जिसके भी दर्शन कराने की बात थी, उन आयोजन करता हूँ, खिलाफ FIR लॉज होनी चाहिए।